Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain you how to calculate cement and sand quantity in plaster work. Actually, ये कुछ लोगों के comments आए थे कि इसमें plaster work में हम cement और sand की quantity कैसे निकालते हैं. तो चलिए हम इसको start करते हैं. मैं इसमें आपको बताता हूँ, explain करता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं. यहाँ पे मैंने सीमेंट मोर्टार 1:6 लिया है. प्रोसेस सेम होगा सब कुछ का, इसमें सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है. तो आप 1:6 है, 1:4 है, किसी का भी निकाल सकते हैं. इसी मेथड से मैंने 10 स्क्वायर मीटर का एरिया कंसीडर किया है प्लास्टर का. अब मैं पहला ले रहा हूँ 12 mm सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स. थिकनेस 0.012 mm हो गई, ठीक है, 0.012 मीटर हो गई. और दूसरी चीज मैं एक और बता दूं कि जो हम प्लास्टर में वेस्टेज लेते हैं 12 mm में, वो लगभग 20% मोर्टार की वेस्टेज मानते हैं. तो इसमें हम 20% इंक्रीज भी करेंगे, ठीक है. तो मैं 12 mm को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेम इसी तरीके से आप 15 mm भी निकाल सकते हैं. 15 mm में 15% वेस्टेज कंसीडर करते हैं और 20 mm में 12% कंसीडर करते हैं. ये क्यों करते हैं, ये एक आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकली ऐसा किया गया और देखा गया कि लगभग लगभग इसके आसपास वेस्टेज आ रही हैं और उसी बेसिस पे इन वेस्टेज को पकड़ा गया है. ये CPWD के रेट एनालिसिस में भी यही लिया जाता है. तो क्वांटिटी ऑफ वेट सीमेंट मोर्टार, तो हम पहले वेट इसकी क्वांटिटी निकाल लें. तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, 0.012 मीटर इसकी थिकनेस हो गई और एरिया हमारा है 10 स्क्वायर मीटर. तो हमारा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारा आ गया. तो 0.120 क्यूबिक मीटर, ये हमारी वेट मोर्टार की क्वांटिटी आई है. तो आपको पता होगा कि जब हम ड्राई मोर्टार लेते हैं तो सैंड के में जो वायर्स होते हैं उसके अंदर सीमेंट चले जाते हैं. तो इसलिए हमें एक्चुअल में वेट जो ड्राई मोर्टार लेना होता है वो ज़्यादा लेना पड़ता है. और कितना ज़्यादा लेना पड़ता है, लगभग 25%. तो हम क्या करेंगे, हमें इतना वेट मोर्टार बनाना है तो हमें 25% और ज़्यादा मटेरियल लेना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, इसमें 125% से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारी अब हमें क्वांटिटी, इसका मतलब ड्राई मटेरियल कितना चाहिए, 0.150 क्यूबिक मीटर इतना चाहिए. अब हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कंसीडरिंग 20% वेस्टेज. अब हमें प्लास्टर करना है तो प्लास्टर में मैंने बताया कि 20% क्वांटिटी वेस्ट हो जाती है 12 mm प्लास्टर में. ऐसा माना जाता है कि कुछ तो वेस्टेज भी होती हैं और कुछ जो ब्रिक वर्क के में ग्रूफ्स वगैरह कटे होते हैं तो कुछ मटेरियल्स उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है. तो इन सब को कंसीडर करते हुए हम 20% एक्स्ट्रा लेते हैं. तो ये 20% मैंने इसका 20% एक्स्ट्रा और कर दिया, ठीक है. ये मैंने 120%, ठीक. तो अब हमें चाहिए एक्चुअली इतना, 0.180 क्यूबिक मीटर. अब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं. क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, दिस इंटू 1/7. आपको पता होगा कि रेशियो, जब अगर कोई इस तरीके से 1:6, मतलब 6+1 हो गया 7 हो गया, तो टोटल कितना है, 7 पार्ट है. 7 पार्ट में सीमेंट कितना है, 1. 7 टोटल है और उसमें सीमेंट का पार्ट कितना है, 1 पार्ट है. तो दिस इंटू 1/7, तो हमें इतना क्यूबिक मीटर, 0.0257 क्यूबिक मीटर ये सीमेंट चाहिए. अब इसको हम चेंज कर लें केजी में. तो चेंज करने के लिए हम सीमेंट की डेंसिटी 1400 यहाँ ले रहा हूँ. मैं 1400 से 1440 तक ली जाती है, मैं यहाँ पे 1400 ले रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इंटू 1400, तो आपकी ये 36 केजी आ गई. मतलब 10 स्क्वायर मीटर अगर मुझे प्लास्टर करना है तो मुझे 36 केजी सीमेंट चाहिए. अब दूसरा है क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे आप. तो क्वांटिटी ऑफ सैंड के लिए टोटल क्वांटिटी ये है इनटू
6x7, सैंड का पार्ट कितना है, 6 है इसमें तो, और टोटल कितना है, 7 है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा 0.154 क्यूबिक मीटर ये सैंड की क्वांटिटी आ गई। इसी तरीके से आप चाहें तो आप 15 mm का प्लास्टर का निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इसको मैं देखिए यहाँ पे कर कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मैंने सब लिंक कर रखा है। तो ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे ये कर दिया, 15 mm ले लिया, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई, यहाँ से लिया था मैंने, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, ये 43.125 kg आ गया, ठीक है, और ये आ गया 0.185 kg। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर जा रहे थे सकते। हेलो, डॉक्टर। मैं तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। आप चाहें तो 15 mm या 20 mm का प्लास्टर निकालना है तो फिर 20 mm में 12% ही लेते हैं वेस्टेज। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वांटिटीज इसको डाल के ये कर सकते हैं। तो ये है तरीका करने का, ठीक है। ये देखिए मैंने निकाल भी रखा है 20 का, देखिए 20 mm का आप देखना चाहें तो ये देखिए 20 mm का है, 20 mm में 55.6 kg सीमेंट लग रहा है और 0.240 क्यूबिक मीटर सैंड लग रहा है। तो ये है सिंपल सा तरीका है। अगर आपको ये एक्सेल की कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।